न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बदलाव का संकल्प, बहन श्रुति चौधरी और अभिमन्यु राव ही विकल्प। मेरा अभिमन्यु मेरा स्वाभिमान, नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से अभिमन्यु राव। विधानसभा चुनाव होने में अभी करीब एक साल का वक्त बाकी है, लेकिन चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है और जनसंपर्क अभियान भी तेज कर दिया है। इसी के चलते दो बार विधानसभा में अपना भाग्य आजमा चुके पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव भी अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। आज अपने नए कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में सतीश यादव ने मौजूदा खट्टर सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वे अगला चुनाव निश्चित तौर पर लड़ेंगे, लेकिन इससे पूर्व मीटिंग बुलाकर कार्यकर्ताओं के बीच कोई फैसला लेंगे कि किस पार्टी से चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा कि अभी सरकार को बहुत कुछ करने की जरूरत है क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। वहीं उन्होंने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव पर भी जमकर निशाना साधा और रेवाड़ी की बिगड़ी व्यवस्था के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कैप्टन अजय यादव 23 सालों तक विधानसभा में रहे, लेकिन इस दौरान उन्होंने सिवाय अपने परिवार और रिश्तेदारों को लगवाने के क्षेत्र के लिए कोई कार्य नहीं कराया। अगर वे चाहते तो रेवाड़ी को और बेहतर शहर बना सकते थे, लेकिन क्षेत्र की जनता अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, लेकिन अब जनता उन्हें दोबारा मौका नहीं देगी। इनेलो में चल रहे घमासान पर उन्होंने कहा कि यह इनेलो के लिए बड़ा झटका है। परिवार को बंटता देख प्रदेश के लोग भी दुखी हैं, क्योंकि पारिवारिक कलह कहीं पर भी हो नुकसान ही पहुंचाता है। जहां तक मेरे रिश्तों का सवाल है तो मेरे चौटाला परिवार से पारिवारिक रिश्ते रहे हैं और आगे भी रहेंगे, मगर कुछ भी हो सतीश यादव आज बीजेपी सरकार के कार्यों की सराहना जरूर करते दिखाई दिए, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं किया कि अगले विधानसभा चुनाव में वे किस पार्टी के बैनर तले मैदान में उतरेंगे। इसे लेकर अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। देखिए, लोकदल पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। चौधरी देवीलाल के परिवार को बढ़ता हुआ देख के हरियाणा प्रदेश के बहुत से लोग दुखी भी होंगे और परेशान भी होंगे कि चौधरी देवीलाल की जो नीतियां हैं आज भी ना केवल इंडियन नेशनल लोकदल बल्कि भारतवर्ष का हर वो नागरिक जो चौधरी देवीलाल ने काम किया उनका पक्षधर है। चाहे बुढ़ापा पेंशन, चाहे किसान के जीवन कैसे सुधरे उन पर काम करने की, नौजवान का किस तरह से काम हो उस पर काम करने की, बहुत से काम चौधरी देवीलाल ने ऐसे किए जो आज भी मील का पत्थर। पारिवारिक कलह किसी की भी हो, चाहे वो परिवार छोटा हो या बड़ा हो, उसमें नुकसान परिवार का और समाज का होता है। जब दो आपस में भाई भी लड़ते हैं तो हम ये सोचते हैं भाइयों का झगड़ा, नहीं, वो एक समाज का भी उसमें नुकसान होता है। जब दो भाइयों का विवाद हो तो उसमें समाज भी नुकसान उठाएगा। हरियाणा प्रदेश के लोग इस लड़ाई का खामियाजा भुगतेंगे और इसका नुकसान होगा। आपके भी पारिवारिक रिश्ते रहे और चुनाव 2019 का सामने है, क्या कुछ कहेंगे? रहे हैं और रहेंगे। पारिवारिक रिश्ते राजनीतिक रिश्तों से ऊपर होते हैं। राजनीति तो आदमी अपने स्वार्थ के लिए भी और कई बार ऐसे भी कर लेता है कि मेरे को कहां से मैं एमएलए बनूं क्या बनूं, लेकिन परिवार एक ऐसा होता है जहां आपके पारिवारिक रिश्ते हैं उन वहां स्वार्थ का कोई कहीं खाता नहीं होता। आज भी मेरे चौधरी देवीलाल परिवार के साथ, भाई अजय सिंह चौटाला जी के साथ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार के साथ एक बहुत ही अच्छा रिश्ता और नाता है और वो जीवन पर्यंत रहेगा। 2019 सामने है, चुनाव लड़ूंगा रेवाड़ी से, निश्चित तौर पर लड़ेंगे, लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप लड़ेंगे। लोग अभी बुलाएंगे एक मीटिंग लोगों से सलाह मशवरा करके, क्योंकि मेरा कोई फैसला नहीं है, मेरा व्यक्तिगत फैसला हो भी नहीं सकता। रेवाड़ी के मेरे जो साथी हैं जिन लोगों ने लगातार मेरे लिए अपने खून पसीने से सींच कर जो यहाँ आज तक पहुंचा है, दोनों बार दूसरे नंबर पर रखा है, उन लोगों से, उन बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, नौजवान साथियों से पूछ के कोई राजनीतिक फैसला लेंगे। सबसे बड़ा दोषी है तो वो बड़ा भाई कैप्टन अजय सिंह यादव है, जिन्होंने 23 साल के लगभग रेवाड़ी का प्रतिनिधित्व विधानसभा में किया और उनके उस प्रतिनिधित्व का खामियाजा रेवाड़ी के लोगों ने, हम खुद भी दोषी, हमने उनको 6 बार जिताया। तो आज भी जो रेवाड़ी की सीवरेज व्यवस्था है, जो उनके समय में जो पाइपें डली उनमें इतना भारी गोलमार और गड़बड़ रही कि वो आज भी पूरा, उनमें से 4 बारिश की बूंदे गिर जाए तो वो ठीक ढंग से पास नहीं हो पाती और फ्लो हो जाता है शहर। सफाई व्यवस्था की हालात यही है, पिछले 23-25 साल विधानसभा में रहे, एक कचरे के लिए जगह फिक्स नहीं करा पाए कि उस कचरे का निस्तारण कहाँ करें, उसको कहाँ डालें। कभी ये म्यूनिसिपल कमेटी के लोग किसी रोड पर डाले जाते हैं, किसान खेत में, कभी कहीं डाले जाते हैं। तो आपको दो बार बहुत वजनदार कैबिनेट में दर्जा मिला और उसके बाद आपने अपने तो काम कर लिए,
चाहे अपनी बेटी को डिप्टी एजी बनाने की बात हो, चाहे बेटे को कांग्रेस अध्यक्ष बनवाने की बात हो, चाहे अपने दामाद को एचसीएस लगाने की बात हो, भतीजे को तहसीलदार लगाने की बात हो, और जो रिश्तेदार हैं उनके बच्चे चाहे एक्साइज एंड टैक्सेशन में अफसर लगाने की बात हो, चाहे कोई और अपने स्कूल कॉलेज भट्टे और पेट्रोल पंप खोलने की बात हो, अपने रिश्तेदारों को ठेकेदारी के लाइसेंस देकर उनके द्वारा कमेटी में वर्चस्व स्थापित करने की बात हो, वो सब तो आपने कर ली। लेकिन रेवाड़ी की जनता आज भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। जो 25 साल अगर जो कैप्टन अजय सिंह के जो वो निकले उसमें जो 10 साल का था 2004 से लेके 2005 से लेके 2014 तक 2004 से 2014 तक वो गोल्डन पीरियड था। अगर कैप्टन अजय सिंह चाहते तो इस रेवाड़ी को पेरिस और लंदन तो नहीं बनाते, लेकिन रहने लायक रेवाड़ी शहर जो इसका पीतल नगरी के नाम से जो जाना जाता है, जो इसका खुद का जो इतिहास था उसको जरूर सहेज के रख सकते थे, उसमें भी वो नाकामयाब हो गए। और आज वो पुनः एक बार कहते हैं मुझे फिर मौका दो। इससे ज्यादा मौका तो शायद कैप्टन अजय सिंह साहब भगवान किसी को भी नहीं देता। कृष्ण जी भी कहते थे एक गलती दो गलती तीन गलती माफ, आपकी तो 6 गलतियां लोगों ने माफ की, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए, तो अब आप आराम करो, आपके लिए ज्यादा राजनीति में समय नहीं है, कोई अच्छे से समाज के साथ जुड़ के कोई सामाजिक कार्यों में ध्यान दो। सरकार का एक बात पे मैंने कहा कि सरकार ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो सभी को करने चाहिए, जैसे CLU का एक बहुत बड़ा खेल हरियाणा में बहुत लंबे समय से चलता रहा, अनेकों सरकार आई गई, बहुत पॉलिटिकल लोगों का इंटरफेरेंस रहा, आज वो खट्टर जी की सरकार में नहीं है। और अभी कुछ नौकरियों का जहां तक मसला है वो कम लगी ज्यादा लगी वो विषय अलग है, नौजवानों को कम रोजगार मिला ज्यादा मिला उस बारे में मैं नहीं, कोई मेरे पास इतना बड़ा आंकड़ा है, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि गांव में गए तो ये कहा कि हमें इस बार पहली बार ऐसा लगा किसी बगैर पॉलिटिकल घर जाए घराने में जाए हमारे बच्चे नौकरी लगे, तो ये एक अच्छी चीज का प्रतीक है। और खट्टर साहब को बहुत से काम करने की जरूरत है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, बलात्कार लगातार हो रहे हैं शहर में, रेवाड़ी शहर में लगातार, मैं अपने यहाँ की बात करूँ रोज गोलाबारी होती है, बहुत दिन से हमारी बच्ची यहाँ से गायब है 4.5 महीने से, आज तक उसका सुराग नहीं लगा। एम्स की खट्टर साहब खुद कह के गए थे, उस एम्स पे काम नहीं हो पाया, कि खुद आप घोषणा करें ना हो, ये उनके माइनस पॉइंट भी है। तो इन सब पे आज भी आप करते हैं बात भी, हमने पॉलिथीन मुक्त, कैटल फ्री, ये सब चीजें केवल शायद कहीं ना कहीं अधिकारी आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो काम रियलिटी में नहीं।